जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 और सेना का 1 जवान और 1 आतंकी घायल हुआ है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। करीब 3 साल बाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज पटना लौट रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार के बाद लालू यादव दिल्ली से 2 बजे पटना हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जहां पर राजद कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि लालू यादव 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार करेंगे। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र की जेल में तबीयत बिगड़ गई। उन्हें बुखार होने के बाद लखीमपुर जेल से एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर चल रहे तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को लखीमपुर जेल में डेंगू के लक्षण मिलने के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश के कुछ राज्यों में फिर से संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। बंगाल के साथ ही देश के कम से कम 3 राज्यों ने पिछले सप्ताह दुर्गा पूजा दशहरा के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बंगाल, हिमाचल और असम में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 15,906 केस सामने आए। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई भाजपा नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। राजे ने पूनिया को शुभकामना देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की, साथ ही कहा कि राज्य व राष्ट्रहित में आपकी सेवाएं ऐसे ही निरंतर रहे। वहीं पूनिया का जन्मदिन उनके समर्थक शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाएंगे। राजस्थान के राजस्व मंत्री व विधायक हरीश चौधरी ने बायतू में आयोजित की जा रही रात्रिकालीन क्रिकेट ट्रॉफी के समापन समारोह में वर्चुअल जुड़कर खिलाड़ियों और दर्शकों को संबोधित कर उनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल के आयोजन से बायतू में सकारात्मक माहौल पैदा होगा। उन्होंने तमाम भामाशाहों और खेल प्रेमियों का सफल आयोजन के लिए आभार जताया। राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। ये परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हो रही है। परीक्षा को लेकर प्रशासन भी दुरुस्त दिख रहा है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही कोरोना नियमों की भी पूरी पालना की जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल 36 पैसे प्रति लीटर और डीजल 38 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिसके बाद प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 114.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 106.09 रुपये प्रति लीटर पहुँच गई है। आज विश्व पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर ट्वीट कर कहा कि आइए हम ये सुनिश्चित करने का संकल्प लें कि प्रत्येक बच्चा पोलियो वायरस से सुरक्षित रहे और सभी बच्चों को पोलियो का टीका मिले। हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि भारत पोलियो मुक्त रहे। आइए हम उन सभी स्वास्थ्यकर्मियों को भी धन्यवाद दें जिन्होंने देश में पोलियो को समाप्त करने में मदद की है। ICC T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 स्टेज की शुरुआत हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में आज एक दूसरे से भिड़ेंगी। दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में 6ठी बार टकराएंगी। दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमों के बीच T20 का ये घमासान शाम 7:30 बजे से दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।